कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंद है शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ हो कैसे मिले कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शशिकार, आदाब, वेलकम टू द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाले हैं जिन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा की है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे देश के रियल हीरो ऑथर कर्नल हेमंत सक्सेना जी की। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनके इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, प्रणाम सर। आपको बहुत बहुत नमस्कार और सभी सुनने वालों, देखने वालों, श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, एंड वेलकम टू द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो। मुझे लगता है कि हम सभी लोगों के लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं और मैं भी उस लिहाज से बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ। और मेरे सामने भी ऐसी स्थितियाँ आईं जैसे कि आमतौर पर सभी लोगों के सामने होता है, सभी लोगों के साथ होता है। तो जी बिल्कुल, मेरे जीवन में भी ऐसे मौके कई बार आए हैं और कई बार मुझे ऐसा लगा कि बस इसके आगे कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद आपने जैसे कहा, आपके जो प्रोग्राम की टैगलाइन है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो ये शायद उसी का नतीजा रहा होगा। मैं चाहता हूं कि आपसे उन 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 मसलों पे, उन उन मुद्दों पे या उन बातों के को रिलिव करने की कोशिश करूं ताकि जी जी प्लीज ये बात का सिलसिला भी आगे बढ़े। जी 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 प्लीज सर जी। तो मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव के दो ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस के बारे में बात करना चाहूँगा जो आपके इस टैगलाइन को भी पूरा करते हैं। और यू नीड टू अनलॉक योर आईफोन फर्स्ट। मुझे एक मिनट दीजिए, मेरा ख्याल है मुझे फोन में कोई इशू आ गया है। जी सॉरी। तो जैसे मैं कह रहा था कि सेना में मैंने लगभग 31-32 साल काम किया है, तो ऐसे उस दौरान में कई ऐसे मौके आए। और उससे पहले अपने विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में भी मेरे सामने ऐसे मौके आए। तो पहले मैं चर्चा शुरू करूंगा अपने स्टूडेंट लाइफ की, जब मैं था, और क्योंकि वहीं से शायद ये बीज अंदर पैदा हुआ होगा, ये बात अंदर पैदा हुई होगी कि कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। तो मैं छोटा सा परिचय दे दूं अपना। मैं जब छोटा था तो मैं अपने भाई बहनों में, ब्रदर्स में मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ी एक सिस्टर हैं, मेरे दो छोटे भाई हैं। मेरी सिस्टर मुझसे थोड़ी ही बड़ी हैं, 1-2 साल बड़ी हैं, तो हम काफी क्लोज थे और वो अपने बड़े होने का पूरा फायदा भी उठाती थी और जिम्मेवारी भी उठाती थी। पिताजी, फादर मेरे उन दिनों वहाँ नहीं थे और उनकी पोस्टिंग बाहर थी, वो एजुकेशन में ही थे और कुछ हम लोग जबलपुर से हैं तो हम वहीं रहा करते थे। हमारी मेरी मदर होम मेकर, मेरे फादर एजुकेशन में थे। तो मैं 7th क्लास में था उस समय, और वो एक पीरियड ऐसा होता है जब वो एक चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजिकल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, इमोशनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, और ऐसे मौके
काफी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में, और मुझे नहीं पता ये डिस्ट्रैक्शंस कब हुए और कैसे हुए, लेकिन मैं पढ़ने में ठीक ठाक था और बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि बड़ी परेशानी हुई हो पास होने में या कुछ करने में। लेकिन सेवन्थ क्लास में ऐसी स्थिति बन गई और मेरे जो टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं, नॉट द फाइनल एग्जाम्स, उसमें एक विषय में मैथ्स में मैं फेल हो गया और मुझे एग्जाम में सिर्फ 50 में से 13 नंबर मिले, जबकि पास होने के लिए उन दिनों 17 नंबर की जरूरत होती थी। और वो मेरा पहला मौका था, उससे पहले तक मैं ये मान के चलता था कि मैं ठीक है जैसा भी हूँ, लेकिन मुझे किसी ये विचार नहीं करना पड़ेगा कि लाइफ में कभी फेल होने की नौबत आए। हालांकि ये टर्म एग्जाम था, लेकिन मुझे इस बात से बड़ा झटका लगा, और इतना झटका लगा कि मैं इसको एक्चुअली फेस नहीं कर पाया और मैं इसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया पर्सनली। तो नतीजा ये हुआ कि इस पूरी प्रोसेस में जो आमतौर पे बच्चे करते हैं वही मेरे साथ हुआ। मैंने अपनी कॉपी को छुपा लिया और चुपचाप रिजल्ट का इंतजार करने लगा। आमतौर पे इन दिनों ऐसा होता था कि आप एग्जाम के बाद आपको कॉपी दिखाई जाती थी, वो आप अपने घर में ले जाके अपने पेरेंट्स को दिखाते थे। चूंकि मेरी मदर ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होती थी, मेरे फादर वहां नहीं थे, तो मेरी सिस्टर जो, जैसे मैंने कहा, वो मेरी पढ़ाई का ध्यान रखती थी। तो हुआ ये कि जब उन्होंने ये एग्जाम हो गया और मैं चुपचाप रहा, मैंने उस बारे में कभी चर्चा नहीं की, तो पूछा पाछी भी हुई, मेरी सिस्टर ने भी एक दो बार बात करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता रहा, झूठ बोलता रहा कि नहीं मैं अभी कॉपी नहीं मिली है और थिंग्स लाइक दैट, जैसे होता है बच्चे आप शर्म की वजह से इस स्थिति में हो जाते हैं। तो करते करते स्थिति ऐसी बनी कि मुझे लगा कि अब मेरे लिए पढ़ाई तो है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल निकम्मा हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। और ऐसी स्थिति में मुझे एक सपोर्ट की जरूरत थी, और सपोर्ट शायद मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किससे मांगू। मैं बहुत शर्मिंदा था अपने घर में किसी से बात करने से, छोटे भाई तो मुझसे छोटा ही था, स्कूल में और दोस्तों में मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आया जिनके साथ मैं ये चर्चा करूं। और उस समय मेरे जो क्लास टीचर थे, अब मैं उनके संपर्क में नहीं हूँ बहुत लंबे समय से, मिस्टर दशरथ लाल चरार जी हुआ करते थे, मेरे क्लास टीचर भी थे और मैथ्स भी पढ़ाते थे, तो उनके साथ मेरी बातचीत हुई और उन्होंने बल्कि इनिशिएटिव लिया। और इनिशिएटिव लेने के बाद में मुझे मैंने उनके साथ भी वही सारी बहानेबाजी की जो बच्चे करते हैं, और कि टाइम नहीं मिलता है और ये है और वो है और घर में बहुत काम होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो मेरी बात समझ गए और वो ये भी समझ गए कि मैं इस शर्मिंदगी की वजह से उनके सामने नहीं आ रहा हूँ। और उस केस में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सपोर्ट करने के बाद में उन्होंने मुझे थोड़ा पढ़ाई में भी मदद की, अपने पास बुलाना शुरू किया। ये उन दिनों की बात है जब ट्यूशन कोई कॉमन चीज़ नहीं हुआ करती थी और बहुत कमज़ोर बच्चे ही ट्यूशन जाया करते थे, तो मुझे उसमें शर्म भी आई, लेकिन मैं उनके पास गया एग्ज़ाम के थोड़ा पहले, 10-15 दिन पहले। और उस मुझे मालूम नहीं कैसे हुआ, लेकिन उन 15-20 दिनों की मेहनत और उनके लगन से मैं क्लास में फर्स्ट आया, जो मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। वो मेरे लिए एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि पढ़ाई मेरे लिए नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं, और मेरे पेरेंट्स के जो ड्रीम्स हैं, जो उनकी विशेज हैं, वो मैं कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो एक हालांकि बहुत छोटी सी घटना थी, बहुत बचपन की बात है, लेकिन इस चीज ने मेरे दिमाग पे बहुत गहरा असर किया और मेरे लिए वो हमेशा एक बीकन की तरह, एक लाइट हाउस की तरह रहा ये इंसिडेंस हमेशा। और जब भी कभी मैं किसी कमजोरी में आया, किसी परेशानी में आया, किसी दिक्कत में आया, तो मुझे हमेशा उस इंस्टेंस से ये हमेशा लगा कि नहीं, आई कैन ऑलवेज कम बैक, आई कैन ऑलवेज बाउंस बैक, आई कैन ऑलवेज फाइट बैक एंड आई कैन बी बैक इन द गेम। और यही वजह है कि आगे भी चल के जब ऐसी स्थिति आई तो मुझे परेशानी नहीं हुई और मैं उस स्थिति से निकल पाया। नहीं, बहुत विशेष नहीं है, लेकिन मेरे लिए बड़ा विशेष है। और मैं एक और चर्चा आपसे करना चाहूंगा, एक और इंस्टेंस की। अब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया। उन दिनों 5 साल की इंजीनियरिंग हुआ करती थी, और मैं जब अपना इंजीनियरिंग कर रहा था, पूरा हो गया, उसके बाद मेरे परिवार में कोई सेना में नहीं है, फौज में नहीं है, दूर दूर तक नहीं है,
मेरे बाद बच्चे भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए शायद ये ऐसे स्थिति बनी और मैंने वो मौका मुझे मिला और मेरे लिए बड़े फख्र की बात है, बहुत हर्ष की बात। तो कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद जैसे ही एसएसबी का टाइम आया, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है, तो मैं वो इंटरव्यू में क्लियर हो गया, जो कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी और बहुत आश्चर्य की बात, क्योंकि मैं फिजिकली बहुत एवरेज माना जाता था। मैं आई वॉज नॉट अ वेरी टफ पर्सन, ऐसा नहीं था कि जी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ट हूँ, इट वॉज अदर वे अराउंड। एक्चुअली आई वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी प्रोटेक्टेड चाइल्ड, तो मेरे मदर फादर को बड़ी चिंता रहा करती थी। बचपन में मैं काफी बीमार भी रहा करता था और कई बार मुझे मेरे मदर बताती हैं कि बहुत सीरियसली बीमार रहा, जब उन्हें बड़ी चिंता बनी रही कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इस तरह की चीजें भी। तो जब ये सेना में फौज में जाने की बात आई, आर्मी ज्वाइन करने की बात आई, तो उनके लिए बहुत मुश्किल डिसीजन था और वो नहीं चाहते थे कि मैं ऐसी स्थिति में पड़ जाऊं जहां जाकर के मैं फिजिकली अपने आप को उन चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकूं या और कोई दिक्कतें आए। तो उन्होंने हालांकि मेरा विरोध नहीं किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट ही किया और उस वजह से मैं फिर आर्मी में गया और मैंने अपनी सक्सेसफुली अपना वहां सर्विस पूरा किया। जी लेकिन के दौरान एक स्थिति बनी जो जिसकी चर्चा मैं आज इस प्रोग्राम के माध्यम से करना चाहूंगा। जी जब मैं एसएसबी इंटरव्यू में गया, तो इंटरव्यू में सक्सेस होने के बाद में इंटरव्यू का फॉर्मेट ऐसे होता है कि 5 दिन का इंटरव्यू होता है, बैंगलोर में इंटरव्यू हुआ था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, और वहां से फिर आप मेडिकल के लिए जाते हैं। मेडिकल इस तरह होता है कि जिसमें आपकी अच्छी तरह से जांच की जाती है और ये तय किया जाता है कि आप उस तरह की रिग्रेस लाइफ के लायक हैं कि नहीं, फौज में कोई कमी तो नहीं है जिसकी वजह से आप वहां काम करें और उसका नतीजा कुछ उल्टा ही निकले। तो उस मेडिकल के दौरान मुझे टेम्परेरली अनफिट किया गया। तो एक उसमें परमानेंट अनफिट होता है और एक टेम्परेरी अनफिट होता है। टेम्परेरी अनफिट में वो ये मानते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो जो ठीक हो सकती है और आप दोबारा मेडिकल बोर्ड के सामने आ सकते हैं, और परमानेंट अनफिट तो आप जानती हैं ऐसी कमी है शरीर में जो मुझे फौज के काम में रुकावट बनेगी। तो मुझे टेम्परेरी अनफिट किया गया, जो छोटी सी चीज थी, लेकिन उस टेम्परेरी अनफिट के पहले जो प्रोसेस चला उसमें मेरे पैरों में थोड़ा सा उनको कुछ नुस्ख मिला। फ्लैट फुट बहुत कॉमन चीज है, एवरेज इंडियंस काफी लोग मिल जाते हैं, और संभवतः मेरे पास भी इस तरह की कोई थोड़ी सी कमी रही होगी। और मुझे आज भी मेडिकल रिपोर्ट याद है, इट यूज्ड टू से हाइट ऑफ द लेटरल आर्चेस डिमिनिशिंग ऑन बोथ साइड्स। मोटी बात ये थी कि मुझे ऐसा लगता था कि पैरों में फ्लैट फुट जैसी स्थिति बन रही है या बनने वाली है या बन जाएगी, और उस वजह से शायद मेरे लिए फिजिकल एक्टिविटीज में दिक्कत आएगी। क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन फाइनली डॉक्टर्स ने मुझे क्लियर कर दिया और मैंने आर्मी ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया। आप लोग जानते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, जहाँ ट्रेनिंग टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए, मैं टेक्निकल ग्रेजुएट टेक्निकल एंट्री हुआ था, उनके लिए 1 साल की होती है, आमतौर पर ये 1.5 साल। तो ये 1 साल की जो ट्रेनिंग थी उसके शुरू में ही मुझे पता लग गया कि जो मैंने जो कमी डॉक्टर्स को नजर आ रही थी उसकी वजह से मुझे काफी परेशानियां आने वाली हैं। ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, आप सब जानते हैं, हम लोगों को सबको पता जी है, बिल्कुल और ट्रेनिंग के दौरान जी उसमें काफी रनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, लॉन्ग मार्चेस होते हैं। तो उन सब के चलते चलते जैसे जैसे समय निकलता गया और मेरा पास आउट होने का टाइम आया, मतलब उसके बाद वो हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, पासिंग आउट परेड होती है, जिसके पास आउट होने के बाद में देन यू बिकम एन ऑफिसर। तो वो जो पीरियड आया उसके ठीक पहले, कोई 3-4 महीने पहले ही मेरी स्थिति ऐसी हुई कि मुझे पैर में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया एक एक्सरसाइज के दौरान, और उस जी तो वो उस वजह से मेरे पैर में इतनी कमजोरी आ गई कि मुझे फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और हॉस्पिटल में एडमिट करने से हालांकि मुझे समझ नहीं आया कि क्या इसमें दिक्कत है, मैंने सोचा चलो ठीक हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान अगर आप एक पर्टिकुलर समय के बाद अगर आप अपनी ट्रेनिंग मिस करें, भले उस समय ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगर आपकी एब्सेंस हॉस्पिटल में होती है तो वो आपको इस फिट नहीं मानते हैं कि आप आर्मी ज्वाइन कर सकें, तो वो फिर आपको रेलिगेट कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको दोबारा अपनी ट्रेनिंग दोबारा से शुरू करनी पड़ती है। तो मेरे लिए वो स्थिति बनने वाली थी, बट तो मुझे एडवाइस किया मेरे जो प्लेटून कमांडर्स होते थे, जो जो डायरेक्टिंग स्टाफ वहां होता था, डीएस स्टाफ होता था।
होता था। तो उन्होंने बताया कि अगर आप हॉस्पिटल में कंटिन्यू रहोगे तो आप फिर ये इस बार पास आउट नहीं होगे, यू विल हैव टू रिपीट द होल ट्रेनिंग फॉर अनदर सिक्स मंथ्स, एक सेमेस्टर जो जैसा होता है, एक टर्म हम लोग कहते हैं उसको, तो फाइनल टर्म यू विल हैव टू रिपीट। और उस फाइनल टर्म को रिपीट करना मतलब ये पूरी एक्सरसाइज दोबारा करना, ये मेरे लिए बड़े दुख की बात थी, परेशानी की भी बात थी, और कोई भी ये नहीं चाहता। एक तरह से आत्मसम्मान में वो लगता है कि आप पास नहीं हो पाए इस ट्रेनिंग के दौरान। तो स्थिति वो बनी। और जब मैं हॉस्पिटल में था तो उस दौरान मैंने दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स मिस किए जो ट्रेनिंग के चल रहे थे। एक जो इवेंट होता है वो एक कैंप होता है, हम लोग उसको गोल्डन रिंग ऐसे अपने टर्म्स में कहते हैं, वो काफी टफ कैंप होता है। कैंप 8 या 10 दिन का होता है, लेकिन उसके बाद जो वहां से मार्च होता है, हम लोग वापस एकेडमी तक आते हैं, कोई 60-70 किलोमीटर की वॉक होती है दिन रात, और बड़ी डिफिकल्ट एरियाज में से चल के निकल के आना पड़ता है, तो वो एक स्ट्रेसफुल टाइम होता है। इसके साथ एक 10 माइल और एक 2 माइल रन के टेस्ट होते हैं। तो ये फिजिकल एक्टिविटीज में दो चीजें और एक कैंप, ये मैं नहीं कर पाया था बिकॉज मैं उस समय हॉस्पिटल में था। तो मेरे लिए जरूरी था कि अगर मुझे पास आउट होना है तो मैं हॉस्पिटल से निकलूं और ये टेस्ट पास करूं। अब आप ये मानो कि जब मैं हॉस्पिटल में था तो ऑब्वियसली मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो मुझे रिलीव करते, लेकिन मेरे ऊपर ये दबाव था कि अगर मुझे पास आउट होना है तो मैं हॉस्पिटल से बाहर आऊं और आकर के अकेडमी ज्वाइन करूं, और अकेडमी ज्वाइन करके फिर ये टेस्ट लूं और टेस्ट पास करूं, तब कोई संभावना है कि मैं दिसंबर में, 15 दिसंबर को हमारा वो होता है पासिंग आउट परेड, तो उसमें पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। और ये शायद मेरा ख्याल अक्टूबर का महीना था। तो ये स्थिति ऐसी बनी कि मुझे हॉस्पिटल वाले छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, मिलिट्री हॉस्पिटल था, मिलिट्री हॉस्पिटल में दे सेड वेरी क्लियरली कि आपके पैर की कंडीशन ऐसी नहीं कि हम आपको छोड़ें, और हमारे जो डायरेक्टिंग स्टाफ, जो ट्रेनिंग स्टाफ होता है, जो ऑपरेशनल एरिया होता है, उनका जो कहना था कि नहीं नहीं अगर आप नहीं आओगे तो फिर ऑब्वियसली वी विल नॉट बी एबल टू इंक्लूड यू इन दी पासिंग आउट परेड दिस टाइम। तो मैं किसी तरीके से उनके पास गया, फिर फाइनली मुझे अपने ओन रिस्क पे उनको हॉस्पिटल को राइटिंग में देना पड़ा कि आई एम विलिंग टू गेट आउट ऑफ द हॉस्पिटल अंडर माय ओन रिस्क बिकॉज आई फील फाइन एंड आई डोंट वांट टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर व्हाटएवर रीजंस। और वो कह के उन्होंने मुझे 4 हफ्ते का एक सेकेंड क्वार्टर होता था कि हम किसी ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, हम अपने घर में ही रहेंगे, तो इस तरीके से करके मुझे डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन वो सेकेंड क्वार्टर होने से मैं किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट ऑफिशियली नहीं कर सकता था, मैं अनऑफिशियली करूँ तो उसका कोई फायदा नहीं था। तो वो बड़ी सी स्थिति हुई, एक महीना और निकला, अब टाइम बहुत कम रह गया था। तो ये दोनों इवेंट मुझे, एक तो 10 माइल रन और एक 2 माइल रन, और उसके साथ एक ये कैंप का मार्च होता है लास्ट का अबाउट 60 किलोमीटर, वो बहुत जरूरी था। तो वो एक मोमेंट ऐसा था जब मुझे लगा कि आई डोंट थिंक आई कैन डू। बहुत सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग द डॉक्टर्स इन द मिलिट्री हॉस्पिटल एंड अदरवाइज हुम आई कंसल्टेड, उन्होंने ये कहा कि अगर आप इस कंडीशन में इस रिग्रेस एक्सरसाइज को करोगे तो एब्सोल्युटली देयर इज एवरी चांस दैट यू विल स्पॉइल योर हेल्थ, यू विल स्पॉइल योर लेग, और वो फिर शायद कभी ठीक ना हो, और आपको फिर शायद आर्मी से ही बोर्ड आउट करना पड़े, क्योंकि आपकी पैर की कंडीशन ऐसी नहीं कि आप इतनी रिग्रेस एक्सरसाइज अभी कर सको। पर आई थिंक कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मुझे ऐसा नहीं होती। जी जी बिल्कुल सर। हाँ, वो एक मोमेंट था, तो मैंने फिर वो डिसीशन लिया। डिसीशन लेने के बाद में देन आई टुक ऑल दीज एक्सरसाइजेस, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट द फैक्ट इज दैट जो एक मार्च होता है वो मेरा ख्याल है उसके लिए मैक्सिमम परमिसिबल टाइम कोई 22 या 23 घंटे का होता है, और मैं ठीक 21.5 घंटे या मतलब 10-15 मिनट ही रह गए थे तब मैं वो कंप्लीट कर पाया उस मार्च को। मेरा पैर का बहुत बुरा हाल था, वो किसी भी तरह से उठ नहीं रहा, बस स्वेलिंग हो रखी थी उसमें, क्योंकि वो जैसे मैंने वो एक्सरसाइज शुरू की उसके बाद वो पहाड़ी में चलना और उसमें काफी कुछ डिस्टेंस हमको दौड़ के भी कवर करना पड़ता है, नहीं तो टाइम पूरा हो नहीं पाता है, और मैं किसी तरह से अपने एक पैर को घसीटते हुए वो फिनिश लाइन पे पहुंचा हूं, लेकिन आई फाइनली मैनेज टू पास द टेस्ट व्हिच वाज अ बिग हर्डल इन माय वे ऑफ गेटिंग माय कमीशन एंड गेटिंग इनटू द इंडियन आर्मी। तो मैं आपसे यही कहूंगा जी कि मेरे लाइफ में और भी कई इंसिडेंसेस हैं, लेकिन ये दो इंसिडेंसेस हैं जिन्हें मैं हमेशा याद रखता हूँ।
एक बचपन का इंसिडेंस जिसमें मुझे ऐसा लगा जी कि मेरे सब कुछ खत्म हो गया है, शायद मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं रहा, बट आई कुड मैनेज टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। और दूसरा, आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान फाइनली मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं ये करता हूँ तो हो सकता है कि मैं परमानेंटली डिसेबल हो जाऊँ, लेकिन गॉड हैज बीन काइंड एंड आई थिंक आपने ठीक कहा है, मैंने एफर्ट किया, प्रयास किया और उसकी वजह से यस आई कुड मैनेज टू ज्वाइन आर्मी, सर्व द नेशन फॉर ओवर 3 decades एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू टॉकिंग टू यू लाइक अ सेलिब्रिटी, दो आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी। नो नो सर, आप हमारे देश के रियल हीरो हो जिन्होंने थैंक इतने सालों तक हमारे देश की रक्षा की। और सबसे बड़ी बात है, जो ये मेरे शो की थीम है, ये आप पे लागू होती है सर, जिस तरह से आपने कोशिश की, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम होते तो हम हार मान जाते, लेकिन आपने जो कोशिश की है, सैल्यूट टू यू सर। थैंक यू थैंक यू। मैं जैसे आपसे पहले भी कह रहा था कि इस तरह के काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, इंडियन आर्मी में बहुत सारे लोग होंगे। जी आई स्टिल फील दैट आई डोंट क्वालिफाई टू बी अ सेलिब्रिटी और इवन बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल शो, बट थैंक यू वेरी मच फॉर इंसिस्टिंग अपॉन एंड मेकिंग मी ज्वाइन एंड कम एंड टॉक टू योर लिसनर्स। थैंक यू। एक्चुअल में सर, मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये शो सेलिब्रिटियों के लिए नहीं है, ये शो उन लोगों के लिए है जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया है। थैंक यू। जी, और आपकी जो जर्नी है वो हमें इंस्पायर करती है, जिस तरह से आपने गिव अप नहीं किया। जी, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा विचार है। अगर हम हमेशा ये सोचते रहें कि अल्टीमेटली सक्सेस ही मिलनी है तभी हम उसके लिए काम करेंगे तो शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप सिर्फ ये करें कि हमें अपना एफर्ट करना है, हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है, बाकी फिर जो होगा वो देखा जाएगा, तो आई थिंक दैट इज दी सॉल्यूशन, दैट इज दी फॉर्मूला फॉर सक्सेस राइट इफ सर, ऑल यू आर गोइंग आफ्टर सक्सेस। यस यस राइट सर, बिल्कुल सही कहा है। और सर, उसके बाद जो कर्नल बनने का जो सफर था, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। हाँ, कर्नल बनने का सफर तो बिल्कुल आम सफर है। फौज में जब आप ज्वाइन करते हैं तो एक पर्टिकुलर लेवल पे आपकी टेस्ट होते रहते हैं, कुछ एग्जाम्स होते रहते हैं और उसके बाद एक इंटरव्यूज, एक बोर्ड्स होते हैं, प्रमोशन बोर्ड्स हम जिनको कहते हैं, तो उस लिहाज से अगर आप अपना काम करते रहें तो ये सब चीजें होती रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मेरा कोई खास योगदान नहीं है, मैं बस अपना काम अपने समय से करता रहा और मेरे सामने जो काम आया उसको मैंने अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी की तरह जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो करने की कोशिश की, एंड थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग और आई कुड रीच दिस रैंक एंड आई एम ग्रेटफुल टू द गॉड ऑलमाइटी, आई एम ग्रेटफुल टू माय फैमिली एंड एवरीवन हु वाज कंट्रीब्यूटिंग, जो मुझे सहयोग कर रहे थे, क्योंकि ये जर्नी अकेले नहीं होती है, कोई भी जर्नी अकेले नहीं होती है, हर जर्नी में आपके साथ कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली परोक्ष में या प्रत्यक्ष रूप में आपको सपोर्ट मिलता रहता है, तो ये उसी का नतीजा है। मैंने 1984 में, दिसंबर 84 में एज सेकेंड लेफ्टिनेंट आर्मी ज्वाइन किया था। आजकल सेकेंड लेफ्टिनेंट का रैंक नहीं है। जी फिर मैं टेक्निकल ग्रेजुएट था तो इमीडिएटली आफ्टर ऑन कमीशन आई गॉट अ प्रमोशन टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट और उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा। मैंने कोर ऑफ इंजीनियर्स ज्वाइन किया था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एजुकेशन से आई एम एन इंजीनियर, मैं सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियर्स को आमतौर पे आर्मी में कोर ऑफ इंजीनियर्स के अंदर रखा जाता है। आपको शायद थोड़ा सा जानकारी होगी, आर्मी के जी अंदर बटालियंस हैं, रेजिमेंट्स हैं, टेक्निकल आर्म्स हैं और नॉन यस टेक्निकल आर्म्स भी हैं। तो टेक्निकल आर्म्स और नॉन टेक्निकल आर्म्स का सिर्फ फर्क इतना ही है कि उनके जो काम का थोड़ा सा जो फर्क होता है। तो कोर ऑफ इंजीनियर्स में मैंने ज्वाइन किया। मैं अपनी रेजिमेंट में कोई 4-5 साल रहा एंड उसके बाद मुझे एक रेजिमेंट से बाहर भी हम लोग टेन्योर पे जाते हैं, तो एमईएस आपने जी शायद होगा, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, उसमें मुझे एज उस समय मैं कैप्टन था
तो मुझे एक असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर एजी के पद पर काम करने का मौका मिला। वो एक डिफिकल्ट एरिया था, आपने शायद नाम सुना जी होगा, ये किन्नौर में, हिमाचल में जी एल्टीट्यूड जी एरिया है जी जी, वो पू एंड वो तिब्बत बॉर्डर के ऊपर ये आता है, तो वहाँ काफी सीखने को मिला। लेकिन वो एक पीरियड ऐसा था जब मेरे सामने फिर एक रास्ता आया, जब मुझे ऐसा लगा कि देर इज अ चॉइस। एंड जैसे मैंने आपसे कहा कि एजुकेशन मेरी हुई तो मैं इंजीनियर बन गया था, मैं एक नॉर्मली इंजीनियरिंग स्ट्रीम में किसी इंजीनियर सर्विस में जा सकता था, लेकिन मेरे सामने एक चॉइस आई और आई गेट इनटू आर्मी एंड आई डिसाइडेड टू गो इनटू आर्मी। इस तरीके से जब मैं इधर ये अपना टेन्योर कर रहा था तो फिर मेरे सामने एक ऑप्शन आया, आर्मी में वी हैव अ विंग व्हिच इज कॉल्ड मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो मुझे ये मिलिट्री इंटेलिजेंस में जाने का मौका मिला। वहाँ मेरी मुलाकात कुछ ऐसे ऑफिसर से हुई जिनके काम को मैंने देखा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे ये देखना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, मैं इंटरनली बहुत ही एक्सप्लोरर एटीट्यूड है मेरा, बहुत ज़्यादा वॉन्डरर हूँ मैं, मतलब मुझे कोई सेट लाइफ एक्चुअली पसंद नहीं है। तो मैंने फिर ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए प्रयास किया और वहाँ मुझे 1991 में फिर मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस में चला गया। वहाँ पर फिर बाकी की जर्नी मेरी आर्मी की वहाँ रही है, अलग अलग सेक्टर्स में रहा हूँ। इंटेलिजेंस में एक अलग किस्म का माहौल होता है, जैसे आप मुझे अभी देख रहे हैं बिना वर्दी के। आमतौर पे जब हम फील्ड यूनिट्स में होते हैं तो हम उस समय यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, हम कई बार ऐसी जगहों में रहते हैं जो आर्मी कैंटोनमेंट नहीं है, अंडर कवर भी हमें कुछ काम करने पड़ते हैं जो मैंने किए, तो वो एक अलग जर्नी है। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ऑल दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम फॉर मी, वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग टाइम फॉर मी। शायद मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे चर्चा नहीं कर पाऊंगा अपने इन टेन्योर्स की, लेकिन दे वर वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे टॉट मी अ लॉट। और मैं आपसे ये कहूं कि इस जर्नी की वजह से जो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा इतने डिटेल में, कई ऐसी लोगों ने लोगों के संपर्क में मैं आया, उन्होंने मुझे टच किया, उन्होंने उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली, मुझे उन उन उनकी लाइफ से, उनके कामों से बहुत प्रेरणा मिली, लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकता था। तो जब मैं रिटायर हो गया, मैं 2015 आर्मी से रिटायर हुआ अपना पूरा टेन्योर करने के बाद में, कर्नल के रैंक में हमारा रिटायरमेंट आमतौर पे 54 इयर्स ऑफ एज में हो जाता है। तो आई अटेन माय सुपर एनिमेशन एज 2015 और उसके बाद फिर मैं बाहर आ गया। उसके कुछ समय तक मैंने फिर कॉरपोरेट में भी थोड़ा काम किया, 4-5 साल। जी, लेकिन रिलायंस। बाहर आया तब मुझे लगा कि नाउ आई मस्ट, और जैसे मैंने आपसे कहा कि जब मैं लोगों से मिलता था या कोई ऐसी बातें होती थी या कुछ और बहुत इंस्पायरिंग चीज मुझे जी तो मैं वो एक अपनी डायरी में उसका एक छोटा सा नोट्स बना लेता था, उसको अपने अपनी याददाश्त के लिए रखता था। तो जब मैं वापस आया, मेरा ये कॉर्पोरेट वाला टेन्योर भी हो गया, तो मैं एक दिन बैठा अपनी पुराने कागज तलाश कर रहा था एंड सडनली आई रियलाइज्ड कि मेरे पास ऐसी कई कहानियां हैं जो मैं चाहूंगा कि सब लोगों के साथ शेयर करूं। दे आर वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरीज एंड दे आर नॉट दैट वेरी टिपिकल ब्रेविडो स्टोरीज जो आमतौर पे आर्मी में बहादुरी की कहानियां आप देखते हैं, सुनते हैं। दे वेरी ह्यूमेन, वेरी डे टू डे थिंग्स जो रोजमर्रा की जिंदगी में, सैनिकों के जीवन में और जो आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं उनके जीवन में ऐसे मौके आते हैं, वो कहानियां मैं सब लोगों से बात करना चाहूंगा, उनको उनके साथ शेयर करना चाहूंगा। और इस तरह ये मेरा एक जो सपना था कि आई शुड राइट अ बुक, आई शुड शेयर दी स्टोरीज विच हैव स्टेड विद मी ओवर अ पीरियड टाइम, तो वो फिर मेरी जो पहली और अभी तक तो वही एक अकेली किताब है, उसका जन्म हुआ। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। जी, मैं आप कहें तो मैं इसका कवर आपको दिखा दूं, यस दिस यस प्लीज। इज जी, इन फ्रंट ऑफ ओनली, दिस जस्ट इज वन सेकंड। ऑलिव डाइट। जी यस 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 सर। जी, जी ऑलिव डाइट। तो दिस बुक इज अ कलेक्शन ऑफ 7 स्टोरीज, दीज आर वेरी सेंसिटिव स्टोरीज एंड दे वेरी क्लोज टू माई हार्ट।
आई कॉल इट फिक्शन, आई कॉल इट मिलिट्री फिक्शन, बिकॉज मैं उन सभी चीजों को उस तरह बयान नहीं कर सकता हूं जैसा वो हुआ, लेकिन ये सारी सच घटनाएं हैं, ये सारे सच लोग हैं जो जो इसके पात्र हैं, जो मुख्य पात्र हैं इसके, जो वो सारे सच हैं, तो दे आर ट्रू पीपल। कुछ लोगों को मैं कह नहीं सकता था कि मैं आपकी कहानी लिखना चाहता हूँ, कुछ लोग इस बात के लिए तैयार नहीं होते कि आप मेरी कहानी लिखें, और कुछ ऐसी सेंसिटिव चीजें होती हैं जिनके बारे में सब चीजें सच नहीं लिखी जा सकती, तो उनको फिक्शनलाइज करना जरूरी था। तो इस तरह ये किताब का जन्म हुआ, ऑलिव डायरीज का। इसमें 7 कहानियां हैं, 7 कहानियां मेरे बहुत करीब हैं क्योंकि आई हैव लिव्ड दीज स्टोरीज, आई हैव ईदर पर्सनली बीन इन टच विद दोज पीपल जिनके साथ ये इंस्टेंस हुए हैं एट द टाइम ऑफ दैट इवेंट, और इन सम केसेस आफ्टर दैट, बट आई हैव रियली लिव्ड दीज मोमेंट्स। तो इसलिए ये कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगी, और लिखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि दिस इज अ पैशन दैट आई मस्ट फॉलो आफ्टर माई टेन्योर हियर। तो अब मैं फुल टाइम ऑथर होने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू राइट, अभी भी मैं कुछ लिख रहा हूँ। एक तो मैं इसे हिंदी में दोबारा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ एक नई कहानियां इसमें ऐड जरूर करूंगा, लेकिन मेरे बहुत अच्छे मेरी सारी पढ़ाई स्कूली पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है, आपको पता है मध्य प्रदेश जी। वहाँ हिंदी का काफी बोलबाला है और अच्छे उपयोग में होती है, लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग में चला गया, आर्मी में चला गया, तो वो इंग्लिश बिकेम अ सेकंड लैंग्वेज। तो जब मैं लिखने बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि आई बी मोर कंफर्टेबल राइटिंग इन इंग्लिश, तो मैंने पहली किताब अपनी इंग्लिश में ही लिख दी। अब मैं उसको दोबारा री राइट कर रहा हूँ हिंदी में, बिकॉज दैट इज माई फर्स्ट लैंग्वेज जब मैंने लिखना शुरू किया था। तो इस पर मैं काम कर रहा हूँ, और कुछ और भी चीजें हैं, प्रोजेक्ट हैं जिन पे लिखने का काम कर रहा हूँ। तो बस यही है, आप अगर कहें और समय हो तो मैं बहुत ब्रीफली इन कहानियों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जी, प्लीज सर। एक सोल्जर की लाइफ के बारे में जी, आपके दर्शकों को, आपके श्रोताओं को पता लग सकेगा। जी जी, प्लीज सर। मैं अगर आप परमिट करें तो मैंने आपसे एक अपनी वेबसाइट शेयर की थी, अगर आप चाहें तो अपने दर्शकों को वो बता दीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं रेगुलरली किताब लिखना, इट टेक्स टाइम, बट उसमें एक ब्लॉगिंग सेक्शन जैसा है, उसमें मैं अपनी नॉइज हैं या कोई ऐसी चीजें हैं जो मुझे उस समय टच करती हैं, तो आई ट्राई टू राइट मोर रेगुलरली इन दैट। उसमें भी बहुत सारे मेरे इंस्टेंसेस, उसमें कोई भी कहानियां इस किताब में नहीं है, वो अलग हैं, ये अलग है। लेकिन आज चूंकि चर्चा का विषय मेरी स्टोरी है और मेरी किताब है, तो आई विल फोकस ऑन ऑलिव डायरीज एंड गिव अ वेरी ब्रीफ जस्ट ऑफ व्हाट ऑल स्टोरीज एग्जिस्ट इन दिस बुक, राइट? मुझे आपकी परमिशन है? प्लीज सर। जी Yes, तो, और आपकी जो वेबसाइट है वो स्क्रीन पे जो हमारे ऑडियंस है वो देख सकते हैं और आप विजिट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरीज है जी, तो आप प्लीज फॉलो कीजिए। थैंक यू। तो मेरी इस किताब में देयर आर 7 स्टोरीज एज आई सेड। इसमें जो पहली स्टोरी है, कहानी है, इसका नाम है मिशन अकम्प्लिश्ड। मिशन अकम्प्लिश्ड एक हेलीकॉप्टर पायलट की कहानी है, यंग हेलीकॉप्टर पायलट की कहानी है, जो आपको पता होगा आर्मी में, सेना में, एयरफोर्स में मिशन के कंप्लीशन पे, उसके सक्सेस होने पे बहुत जोर होता है, और हम हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि किसी भी हालत में मिशन फेल नहीं होना चाहिए। तो वो एक ऐसी टर्म होती है जिसके आगे हमारे पास कोई और मतलब, लाइफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट मिशन इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज हाउ वी लिव एंड वी फंक्शन। तो इस कहानी में, ये एक हेलीकॉप्टर पायलट की कहानी है, सेटिंग है सियरा लियोन की, जब एक यूएन पीस कीपिंग मिशन में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स का एक कंटिजेंट वहां पर था, और एक ऑपरेशन खुखरी करके 2000s की बात है, ये उस समय वहां पर हुआ था, उसका एक हिस्सा थे हमारे ये कंटिजेंट। ब्रीफली मैं आपको बताऊं तो इन पायलट महोदय को ये टास्क मिला था कि एक अपना हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे, और वो जो वहां के जो मान के चले सिविल वॉर चल रहा था वहाँ कंट्री में, तो वहाँ एक जो रिबेल ऑर्गेनाइजेशन थे, जो उन्होंने जो एरिया कब्जा किया था, उनके
अधिकार में, उनके कंट्रोल में हमारे कुछ लोग आ गए थे, हमारे कुछ यूएन मिशन के ऑफिशियल्स थे, तो उनको वहां से, कुछ बीमार थे, कुछ घायल थे, उनको वहां से निकालना था, चुपचाप निकालना था, क्योंकि वो उनके कब्जे में इलाका था। तो वो हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके में लैंड करना था, वहां से उनको लेना था, वापस आना था। तो इस पूरी प्रक्रिया में बहुत थोड़ा सा टाइम लगना था, स्टेल्थ, मतलब चुपचाप ये काम हो जाए, ज्यादा पता ना लगे, और जाके चुपचाप उनको रिकवर करके ले आए, तो इस तरह का वो मिशन था। लेकिन जब वो वहां गए तो आपको पता ही है, वॉर सीन कुछ अलग ही होता है, आप तय कुछ करते हैं, प्लान कुछ करते हैं, होता कुछ और है। और वही हुआ, वहां सारे लोगों को, सारे दुश्मन को पता लग गया, हेवी फायरिंग शुरू हो गई। वो इसलिए हुआ क्योंकि वहां के जो लोकल लोग थे, क्रियोल्स, जो वहां के ट्राइबल लोग थे, उनको पता लगा कि एक हेलीकॉप्टर आया हुआ है, और वो ये समझे कि ये हमारा आखिरी मौका है, अगर हम किसी तरह इस हेलीकॉप्टर में बैठ के यहां से निकल जाए तो हमारी भी जान बच जाएगी। तो वो एक ऐसी स्थिति बनी जब वो बहुत सारे लोकल्स ने घेर लिया उस जगह को, और वो जबरदस्ती उस हेलीकॉप्टर में घुस गए, और ये इनको घायलों को उठा के रखना था, तो वो एक मिशन के आड़े आ रहा था ये चीज। तो ये एक डायलेमा है स्टोरी में। वो किसी तरीके से उनको सबको लेके चलते हैं, फिर उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है क्योंकि वो इतने लोड के साथ आगे जा नहीं सकता, प्लस वो फायरिंग के दौरान उसको काफी नुकसान भी हो गया। तो ऐसी क्राइसिस बनती है जिसमें वो चल तो देते हैं वहां से वो उनको लेकर के, लेकिन थोड़ा ही उड़ने के बाद में उनको वो क्रैश लैंडिंग जैसी होती है, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, वो उसमें आग लग जाती है, उसको छोड़ना पड़ता है। लेकिन बाद में जब वो रिकवरी के लिए दूसरा एयरक्राफ्ट आता है, उनका दूसरा हेलीकॉप्टर आता है, तो फिर वो एक मोमेंट है जहां वो जो लोकल्स एक तरफ बहुत बुरी तरह से जबरदस्ती एयरक्राफ्ट में घुस के जा रहे थे, वहीं अब वो स्थिति समझ चुके हैं, तो वो बिल्कुल एक तरफ खड़े हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं, वो सिर्फ घायलों को उसमें, जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं या जो यूएन ऑफिशियल्स हैं, उनको लोड करवा रहे हैं, और उसके बाद वो चुपचाप एक तरफ हट के खड़े हो जाते हैं। तो वो एक मोमेंट है पायलट के लिए जब वो ये सोचता है कि जान तो सबकी बराबर है, और मेरे लिए आज मजबूरी है कि मेरा मिशन है कि मुझे सिर्फ इन लोगों को ले जाना है। मैंने कोशिश भी किया लेकिन मैं बाकी सबको नहीं ले जा सकता हूं क्योंकि परिस्थितियां नहीं परमिट कर रही हैं। तो वो उसका जो डायलेमा है कि वो मिशन अकम्प्लिश करता है, उसको उसके लिए मेडल भी मिलता है, लेकिन उसको मन में हमेशा वो टीस रहती है, वो हमेशा उस दुख के साथ जीता है। 10-12 साल हो चुके हैं उस इंसिडेंस को, लेकिन वो उस चीज के लिए जीता है कि ये कहीं मैं अगर सुपरमैन होता तो मैं शायद सबको बचा के ले आता। तो वो इस तरह की इमोशन को डिपेक्ट करती है। इट्स अ सेंसिटिव स्टोरी ऑफ द थॉट प्रोसेस दैट गोज बिहाइंड द माइंड ऑफ एन यंग पायलट who has been given a very clear direction कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वो उस बीच में कोशिश करता है कि थोड़ा deviate करे उससे, लेकिन वो सबकी life risk में डालता है। बाद में वो उनको उसे छोड़कर आना पड़ता है, सिर्फ वो अपने UN के officials को और जो घायल हैं उनको लेके आता है। तो that is one story। मुझे उम्मीद है ये काफी पसंद आएगी क्योंकि ये internal dilemma है life का। स्टोरी है वो कहती है, दिस इज एन एयरफोर्स स्टोरी। दूसरी स्टोरी भी एक एयरफोर्स रिलेटेड है, उसका टाइटल है हु सेज एलिफेंट्स कैन नॉट फ्लाई। तो ये जैसे टाइटल कहता है कि मतलब कौन कहता है कि हाथी उड़ नहीं सकता है। तो एक्चुअली हमारे इंडियन एयरफोर्स में एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है IL-76, उसको हम, वो रशियन एयरक्राफ्ट है पर हमने उसका नाम रखा है, उसको हम कहते हैं गजराज। तो मैं जब पहली बार उस में सफर किया चंडीगढ़ से ले में मैं पोस्ट हुआ था, तो वहां जा रहा था, तो उस अनुभव को मैंने इसमें लिखा है। वो एनेक्डोटल स्टोरी है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है। कैसे ट्रूप्स का मूवमेंट होता है, किस तरीके से इंडियन आर्मी की जो पॉलिसी है या इंडियन एयरफोर्स की या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि लद्दाख के लोगों को हम परमिट करते हैं अपने साथ उड़ने के लिए, वो आर्मी एयरक्राफ्ट में भी जब रोड बंद हो जाता है विंटर्स के दिनों में, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। साथ में मैंने इस स्टोरी में एक पुरानी इंसिडेंस को इनकॉर्पोरेट किया है एयरफोर्स की चर्चा करते हुए, लेह से संबंधित। वो स्टोरी उन दिनों की है जब 1948 की स्टोरी है ये, जब इंडिया और पाकिस्तान का डिविजन हुआ था और इंडिया के ऊपर हम लोग कंसोलिडेट कर रहे थे और पाकिस्तान अलग हो गया था, और पाकिस्तान से जो बहुत सारे कबाइले थे जो अटैक कर रहे थे कश्मीर को, वो अपने काबू में लेना चाहते थे। तो आपको याद होगा 1947-48 में इवन लेह लद्दाख भी कश्मीर का हिस्सा माना जाता है, तो वो वहां से उन्होंने भेजे और वो सब जगह लूट मार करते हुए और चीजों को
काबू में करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मुझे प्लीज बता दीजिएगा अगर मैं अपने टाइम से ज्यादा जा रहा हूँ तो। नो 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 सर, प्लीज 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 कंटिन्यू सर, टाइम ही टाइम है सर आपके लिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि वो एक इंसिडेंस को मैंने लाया है, जब आप आश्चर्य करेंगे उन दिनों हमारे पास ये ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं था जो IL-76 गजराज जिसको हम बोलते हैं, हाथी गजों का राजा है, लेकिन उन दिनों हमारे पास में जो AN-32s होते थे वो ऐसे नहीं थे, वो एक पर्टिकुलर हाइट तक ही उड़ सकते थे। तो लद्दाख जब हमारे काबू से निकलने वाला था, मतलब हिस्ट्री में एक टाइम ऐसा भी आया कि ये लद्दाख हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, उस समय ये तय हुआ, कुछ बहादुर सैनिकों ने प्रयास किए, एक मेजर पृथ्वी चंद थे, लाहौली ऑफिसर थे, वो श्रीनगर से मार्च करके अपने टीम के साथ में लद्दाख पहुंचे। जोजिला पास उन्होंने उस विंटर्स में क्रॉस किया, कंप्लीटली स्नो क्लॉड होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक इवन फ्यू मीटर्स, तो उन्होंने कई सौ किलोमीटर क्रॉस करके श्रीनगर से वो वहां पहुंचे। वहां जाके उन्होंने रीइन्फोर्समेंट किया और ले गैरिसन, जिसमें सिर्फ उन दिनों शायद 26 या 29 लोग थे और पूरा पाकिस्तानी सोल्जर से घिरा हुआ था वो, तो अगर वो समय पे नहीं पहुंचती तो लद्दाख आज हमारे इंडिया का हिस्सा नहीं होता, ले हमारे इंडिया का नहीं होता। लेकिन वहां से मतलब काम खत्म हो गया ऐसा नहीं है, फिर उनकी टीम में एक सिविल इंजीनियर थे नोरबू जी, उन्होंने फिर वो ले की एयरफील्ड बनाई और तब ये तय किया कि हम अब एयरक्राफ्ट वहां पहली बार लद्दाख में अपना ले जाएंगे, तो वो इंडियन एयरफोर्स का पहला एयरक्राफ्ट था। तो वो स्टोरी को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, जिसमें जो एयरफोर्स के जो एयर कमोडोर मेहर सिंह थे वो एयरफोर्स के इंचार्ज थे जो JNK में ऑपरेट हो रही थी, और जनरल थिमैया वहाँ के, मेजर जनरल थिमैया वहाँ के थल सेना के कमांडर थे कश्मीर के। तो थिमैया साहब ने इनको मेहरचंद को कहा कि मेहर सिंह को कहा कि वी रिक्वायर योर परमिशन कि हम अपने एयरक्राफ्ट को ले जाके वहाँ लैंड करें, क्योंकि अब वो एयरफील्ड भी बना दिए और अप्रैल का महीना है, अब हम वहाँ कर सकते हैं, और अगर हम रीइन्फोर्स भेजेंगे तो हमारा ये मिशन सफल हो जाएगा, हम ले को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाए रखेंगे। लेकिन अगर हमने ये ना किया तो इतने सारे वहां पर दुश्मन हैं, वो इसको ओवर रन कर देंगे और ये ले हमारे हाथ से चला जाएगा। तो मेहर सिंह जी का कहना था कि मच एज आई वुड लाइक टू डू इट, जो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, देश की मदद करना चाहता हूँ, मैं अपना एयरक्राफ्ट वहां भेजना चाहता हूँ, लेकिन मैं भेज नहीं सकता। तो उसका कारण उन्होंने ये बताया कि जो AN-32 एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी एक सीलिंग होती है, एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर वो नहीं उड़ सकते हैं, तो वो 20,000 फुट से ऊपर आप उन्हें ले जाएं तो वो मशीन नहीं चल सकती, वो इट कैन नॉट फ्लाई देयर। जबकि अगर ले जाना हो तो वहां कम से कम 20,000 फीट की ऊंचाई पर जाना बहुत जरूरी है। तो स्थिति ऐसी बनी कि दूसरी चीज उसमें कोई ऑनबोर्ड ऑक्सीजन भी नहीं है, तो उस हाइट पे बिना ऑक्सीजन के एयरक्राफ्ट को उड़ाना इज नॉट पॉसिबल। हेलो, एम आई इन द शो? मुझे ऐसा लगा कि डिस्कनेक्ट हो गया है। हेलो, हेलो, सॉरी सर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू। जी जी प्लीज कंटिन्यू। तो मैं कंटिन्यू करूं? जी 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 प्लीज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उस स्थिति में जबकि हमारे AN-32 एयरक्राफ्ट्स किसी भी हालत में वहां पहुंच नहीं सकते थे क्योंकि उनकी फ्लाइंग सीलिंग है, वो 20,000 फुट से ऊपर उड़ नहीं सकते हैं, लद्दाख जाने के लिए कम से कम 25,000 फीट की ऊंचाई तक जाना पड़ेगा, इन एयरक्राफ्ट्स में अंदर ऑक्सीजन की सुविधा ही नहीं है, प्रेशराइज चैम्बर्स ही नहीं है, तो इसमें इट वॉज नॉट पॉसिबल टू सेंड द एयरक्राफ्ट, और जो भी जाएंगे उनके साथ बड़ी खतरा था, और उससे पहले वहां कभी कोई एयरक्राफ्ट लैंड नहीं किया, तो वो बहुत सारी चीजें थी। तो यू विल बी सरप्राइज्ड, जनरल थिमैया ने ये कहा कि आई अंडरस्टैंड कि ये एयरफोर्स के जो लोग पहले इस एयरक्राफ्ट को, पहला एयरक्राफ्ट जाएगा तो बहुत रिस्क है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक द सेम रिस्क, मैं इस एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करूंगा। तो आप इमेजिन करें, एक जनरल साहब ने ये तय किया कि वो इस एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करेंगे, पहली बार जो जहां जा रहा है, जो उस सीलिंग पे उड़ नहीं सकता, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें प्रेशराइज चैम्बर नहीं है। तो मेहर सिंह का जवाब ये था कि अगर आप उसमें ट्रैवल करेंगे तो उस जहाज को मैं उड़ाऊंगा। तो आप ये माने कि 1948 में पहला AN-32 लद्दाख में जब पहुंचा है तो वो उड़ाया था एयर कॉमोडोर, जो एयरफोर्स के चीफ थे वहां के कश्मीर के, मेहर सिंह ने, जिसमें बैठे थे जनरल
के एम थिमाया, जो कि लैंड मतलब थल सेना के प्रमुख थे, और बाकी चीजें थी उसमें। और वो बिना किसी परमिशन के उन्होंने वो किया, क्योंकि अगर वो परमिशन मांगते तो शायद इस बात की परमिशन कोई उन्हें देता नहीं। तो ये इंसिडेंस को भी मैंने उसमें अपने कॉर्पोरेट किया है एयरफोर्स की चीज। इट्स एन एनेक्टोडल स्टोरी, आई एम श्योर उसकी छोटी छोटी चीजें काफी पसंद आएंगी अगर जी जी थोड़ा। बिल्कुल यस जी जी तीसरी स्टोरी है पीर साहब। पीर साहब आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में बहुत समय टेररिज्म काफी प्रमुख रहा। अभी अब जाके थोड़ी स्थिति ठीक हुई है। तो जी ये 90s की स्टोरी है। मैं राजौरी एरिया में था और वहाँ एक व्यक्ति से मैं सामने आया जो कि एक अलबदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, तो उनके वो कमांडर थे और उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। वो उनका कैसे हृदय परिवर्तन हुआ, वो कैसे उन्होंने अपने बच्चों के बलिदान दिए हैं, दो बच्चों के बलिदान दिए हैं, एंड ही एक्चुअली हेल्प्ड अस टू कंट्रोल दी टेररिस्ट एक्टिविटीज इन दैट एरिया। तो ये उनकी कहानी है, पीर साहब नाम से है, बरकतुल्ला जी होते थे जिनकी ये स्टोरी है। पर वो एक्चुअली वो जी टेररिस्ट कमांडर थे, तो वो उनका काम किया करते थे। वो धीरे धीरे कैसे उनके अंदर परिवर्तन आया, जब मैं उनसे कॉन्टेक्ट में आया तो वो ऑलरेडी बदल चुके थे, उनकी सोच बदल चुकी थी, बट वो उन्होंने अपनी लड़ाई कैसे जारी रखी हमारे साथ मिलके। मैं इंटेलिजेंस में था तो मुझे बहुत सारे ऐसे कामों में शामिल होना पड़ता था जिसमें क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती थी और हम एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज भी किया करते थे, ऑपरेशंस भी किया करते थे। तो ये उनकी कहानी है। अगली कहानी इज टाइटल्ड एंटेंगल्ड। ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी की स्टोरी है। उन दिनों में मैं सांबा सांबा जेएनके का एक हिस्सा है, वो वहां पोस्टेड था, और उन दिनों एक बॉर्डर फेंस पर काम हो रहा था। आजकल तो सब जगह फेंस लगी, उन दिनों पहले थी नहीं फेंस। तो ये कहानी एक छोटे बच्चे की कहानी है, वो ऑटिस्टिक बच्चा है, ये एक बांग्लादेशी बच्चा है। तो उन दिनों ऐसा था कि बहुत बड़ी संख्या में, आज भी होता है, लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स क्रॉस होते थे और वो इंडिया में आते थे, इंडिया से फिर पाकिस्तान भी जाते थे। तो ये उस त्रासदी की कहानी है जिसमें एक छोटा बच्चा ट्रैप हो जाता है। मेरे लिए बहुत दुख का था, वो मेरे सामने मैंने देखा उस बच्चे को, उसकी जान गई उस पूरी कहानी में। लेकिन दिस इज अ ह्यूमन ट्रेजेडी स्टोरी, इट टॉक्स अबाउट दी आप चाहे भी कितने भी सेंसिटिव आप हों, आप चाहें, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये उस तरह की कहानी है। आई एम श्योर दिस विल हेल्प पीपल अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन ट्रेजेडी कैन बी अवर्टेड। अगली कहानी है ब्रेकिंग बैंक। ये उन दिनों मैं इंजीनियर रेजिमेंट में था, तो इंजीनियर रेजिमेंट में मैं पंजाब में था और ये 88 की बात है। उन दिनों खालिस्तान का काफी जोर था और मैं फिरोजपुर में पोस्टेड था। तो फिरोजपुर में उन दिनों एक बाढ़ आई थी, हालांकि बारिश नहीं हुई थी लेकिन बाढ़ आई थी। तो वो बाढ़ इसलिए आई थी क्योंकि वो भाखड़ा नंगल डैम के गेट खोलने पड़े थे उनको, और वो एक इंटरनल स्टोरी है कि वहां पर नदी के किनारे, सतलज के किनारे बहुत सारे टेररिस्ट के ठिकाने पैदा हो गए थे ये खालिस्तानियों के, तो उसको वॉश ऑफ किया था एक्चुअली। तो उस बाढ़ के दौरान एक छोटी सी इंसिडेंस हुआ है जिसमें मैं मुझे एक टास्क मिला था कि एक जो इंदिरा गांधी केनाल है उसके एक बैंक को तोड़ना था, क्योंकि एक तरफ पानी बाढ़ का काफी भर गया था। अगर हम उस बैंक को तोड़ते तो वो पानी फ्लो होकर के उसमें जाता और वो गांव वहां के जो बाढ़ में आ गए थे उनको बच जाते। जब भी हम लोग कभी आर्मी में होते हैं और हम किसी सिविल अथॉरिटीज को असिस्ट करते हैं, चाहे वो रॉयड कंट्रोल हो, चाहे फ्लड कंट्रोल हो, चाहे कोई और त्रासदी हो, आजकल बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं, इस तरह की भी कई चीज जगह हमें असिस्ट करना पड़ता है। तो ये बाढ़ की असिस्ट फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में हमने हिस्सा लिया। इसमें हम एक सिविल अथॉरिटी से अथॉरिटी साइन कराते हैं, एक फॉर्म साइन कराते हैं। मैं यंग था, मैं उसमें साइन नहीं कराया मैंने, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो बैंक हमने तोड़ा उस दिन। बैंक तोड़ने से पानी तो बच गया, लेकिन जो डीसी महोदय थे, डिविजनल कमिश्नर महोदय थे, वो थोड़ा उनका कुछ ठीक ठाक नहीं चला, तो वो उन्होंने वो बाद में फॉर्म साइन करने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मेरे और मेरे कमांडिंग ऑफिसर के खिलाफ एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू हुआ कि हमने सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है जबकि हम फ्लड रिलीफ। इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। उसमें एक डॉग को हमने रेस्क्यू दिया था जो हमारे साथ रहा काफी समय तक, वो उस ऑपरेशन के दौरान। देन वी हैव अ स्टोरी कोहे पाइमा। कोहे पाइमा मैं आपको बताऊं कि ये एक टर्म है, इसका मतलब होता है पहाड़ों की कॉल, पुकार, और ये सिर्फ नाम, लिटरेरी मीनिंग नहीं है, ये एक ऑपरेशन का नाम था।
आपको याद होगा कि कारगिल ऑपरेशंस जब हमारे यहाँ हुए थे तो इंडिया वॉज फाइटिंग अंडर ऑपरेशन विजय के नाम से, और पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था उसका नाम था कोहे पाइमा। तो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को हमारे इलाके में भेज दिया था, 99 की बात है, आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत याद होगा। और उस समय के लड़ाई के दौरान में पाकिस्तान के साइड से ये मैंने स्टोरी लिखी है, क्योंकि मैं जी उन दिनों डायरेक्टरेट में था और मेरे हाथ एक पाकिस्तानी ऑफिसर की डायरी लग गई, जो वो वहां से वो घायल हुआ तो उसको वहां से हटना पड़ा, तो उसकी डायरी रह गई, उसकी एक कॉपी मेरे पास में है, मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। जी, तो इस डायरी में काफी सारे एंट्रीज हैं जिसमें आप शायद ये देख पाए कि वो अपनी एंट्रीज में किस तरह से दिन के दिनचर्या क्या होता जा रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीजें लिखा करते थे। तो इस बेस पे मैंने फिर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को किया है कि कारगिल ऑपरेशंस में वहां की कैसी स्थिति थी, कैसे वो लोग लड़ रहे थे, उन वो किस स्थिति, और सैनिक एंड सोल्जर इज सेम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, उसमें कोई फर्क नहीं होता, वो अपनी जी जान लगा के अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने मिशन के लिए काम कर रहा होता है, हम भी कर रहे होते हैं। तो ये एक अलग इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई एम श्योर ये भी एक डिफरेंट जी पर्सपेक्टिव मिलेगा कारगिल ऑपरेशंस को देखने का। जो लास्ट स्टोरी है इट इज कॉल्ड अ स्वीट बॉक्स। स्वीट बॉक्स नाम जरूर स्वीट बॉक्स है, लेकिन ये कोड नेम है आईईडी के लिए। आईईडी मैं समझता हूँ, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, जो आप टेररिस्ट एक्टिविटी में देखते रहते हैं, यहाँ बम धमाका हो गया, टिफिन बॉक्स, कुकर, मिठाई का डब्बा। तो हम लोग जब मैं वहाँ कश्मीर में था, तो उन दिनों जिस समय की ये जी स्टोरी है, मिठाई के डिब्बे के चलन होता था, तो मिठाई के डिब्बे के अंदर एक्सप्लोजिव लगा के और वो पाकिस्तान से इस तरफ आ जाता था, या वो ले जाके कहीं हमारे यहाँ लगा देते थे बस स्टैंड पे इधर उधर। तो वो एक स्टोरी है जिसके दौरान, ये एक इंटरनल स्टोरी है, थोड़ा फिक्शन इसमें है लेकिन इंसिडेंस करेक्ट है, जिसमें वहां से जब हमने एक उनके ऑपरेटिव को अपने काबू में कर लिया था, और इस बारे में हमने जिक्र नहीं किया कि उनका ऑपरेटिव हमारे पास आ गया, फिर भी हम उसे बात कराते रहे, और वहां से हम ये स्वीट बॉक्सेस कहलाते थे, तो उनको हम मंगवा लेते थे यहाँ। आमतौर पे अगर हम उन्हें छोड़ देते तो वो कहीं ना कहीं लगाते, हमारा नुकसान हो जाता, पर इस तरह से हम उनको, हमें पता लग जाता था कब आ रहा है, तो हम उसको लेके और फिर वापस वहीं भिजवा देते थे, तो वहां उस तरफ कहीं जाके वो एक्सप्लोर हो जाता, इस तरह का कुछ ऑपरेशन होता रहता था। तो उस ऑपरेशन के दौरान हमारे एक ऑफिसर को काफी चोट लगी, ब्लास्ट हमारे पास ही हो गया था, ये उससे संबंधित कहानी है। ये मेरे इंटेलिजेंस में जो जिस तरीके की शेडी वर्क होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती हैं, ये उस तरह की कहानी है, और ये आपको एक वो व्यू देगी कि किस तरीके से इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स आर्मी इंटेलिजेंस में कैसे ऑपरेट करना पड़ता है, किन कंडीशंस में ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये वो कहानी है। तो इस तरह से ये 7 स्टोरीज हैं इसमें। जी इसी किताब को मैं रीराइट कर रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ। मेरे बहुत सारे, खासतौर से मेरे ब्रदर ने, मेरे छोटे ब्रदर ने सबसे पहले मुझे सवाल किया कि दादा आपने इसको इंग्लिश में क्यों लिखा है, आप तो, आपकी मातृभाषा हिंदी है, आप हिंदी में पहले पढ़े हैं, लिखे हैं, सब कुछ है, आप क्यों नहीं लिखा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अब इसे हिंदी में पूरा करना चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले 2-3 महीनों में इसका हिंदी संस्करण, हिंदी अनुवाद तो नहीं होगा वो, मैं रीराइट कर रहा हूँ और कुछ एक नई जी स्टोरी डालूंगा इसमें। तो ये मेरी जर्नी है एक ऑथर बनने की, एक आर्मी की लाइफ की, और आई डो नॉट नो हाउ फार इट इंटरेस्ट दी पीपल, वेदर और नॉट इट इज एबल टू इंस्पायर समवन, बट आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे बात करूं, अपनी कहानी शेयर करूं, अपने किताब के बारे में, अपने ऑथर की जर्नी के बारे में आपसे चर्चा करूं, तो मैं शुक्रगुजार हूं। मुझे लगता है कि मुझे सभी लोगों को ये एक पोटेंशियल, हर चीज में एक पोटेंशियल होता है, अगर आप किसी चीज के ऊपर कोई फॉर्मेट ना लगाएं तो वो उसका पोटेंशियल होता है, जी क्या एनीथिंग, तो उसमें मेरा विश्वास है, और यही वजह है कि मुझे लगता है कि मैं एक ऑथर भी बन सकता हूँ, कि जब मैं एक स्थिति देखता हूँ, एक सिचुएशन देखता हूँ, तो मेरे मन में विचार आते हैं कि वो किस तरीके से बदल सकती हैं, क्या-क्या हो सकता है। तो जी शायद ये मेरी इंस्पिरेशन है, और जो मैंने लाइफ में लोगों के साथ मिला हूँ, जो सीख मिली है, उसको मैं कोशिश करूंगा वो स्टोरीज में सब लोगों से शेयर करूं। जी और यस और आपकी जो स्टोरी है सच
सर वो हमें इंस्पायर करती है, और आपकी स्पेशली आपकी जो जर्नी है सर, आपने बहुत इंस्पायर किया है. थैंक यू सो मच सर. और सर हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़े हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी. और अजंता सरकार जी हमारे साथ जुड़ी है, जो कि एक सिंगर है. ब्रिज मोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये भी बहुत ही अच्छे सिंगर है. आशु जी हमारे साथ जुड़ी है, और सत्यजीत शर्मा जुड़े हैं, जो कि बॉलीवुड का जाना माना नाम है. थैंक यू सो मच. आर के डिंगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच सर. प्रीतम डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच. गौरव कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी. और सर जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली सर यूथ को? हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आ, आ, किसी भी चीज को फाइनल ना समझें। लाइफ में कोई चीज फाइनल नहीं है। कहीं भी पहुंचकर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपने सब कुछ पा लिया, आप वहां पहुंच गए। जर्नी इंपॉर्टेंट है। चलते अगर आप नहीं रहेंगे बिल्कुल तो लाइफ खत्म हो जाएगी। आई थिंक कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, के साथ साथ जीना इसी का नाम है कि आप चलते रहें, अपनी जर्नी में कंटिन्यू। जी जर्नी इज इंपॉर्टेंट, डेस्टिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी मैसेज मेरा यही होगा, अगर कोई इस बात को सुने और कोशिश करे। मैं भी देखूंगा, मुझे और आगे कोई एवेन्यूज मिलेंगे तो आप शायद पाए मैं कुछ और किसी एक्टिविटी में लगा हुआ हूँ। जी लेकिन जी फिलहाल बिल्कुल मैं अपनी जर्नी ऐसे ही एज एन ऑथर जारी रखूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच, एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एवरीवन. और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं. तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवार कभी गुलजार नहीं होती. जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती. बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. चलते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. ओ हो फिर कैसे मिले कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश